हमारा अभी पटियाला बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता'sboutique में आपका स्वागत है। आपकी कमेंट्स और लाइक के लिए धन्यवाद। आज हम बनाने जा रहे हैं पटियाला सलवार। इसके लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो हमने थोड़ा फ्लो वाला कपड़ा लिया है, क्योंकि वो जो हम पटियाला सलवार में जो चुन्नटे डालते हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे दिखनी चाहिए, तभी वो फुल पटियाला दिख पड़ता है और दिखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। तो इसलिए हम ऐसा ही कपड़ा लेंगे जिसके ऊपर फ्लो दिखे हमारा। इसी तरह वीडियो लाइक करते रहिए और कमेंट्स भी कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको भी लाइक कीजिए। आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए हमको लगेगा सबसे पहले कपड़ा। ये हमारा कपड़ा 3.5 मीटर है। टेप, स्केल, कैंची, ये बक्रम पट्टी है जो पोचे के काम आएंगे हमारे, ये धागा है, चौक और मेजरमेंट। ये हमारा 3.5 मीटर का फुल पटियाला बनाना है इसका हमको। पटियाला बनाने के लिए सबसे पहले हमको कपड़े को इस तरह डबल रखना है। ये 3.5 मीटर कपड़ा है हमारा और इसको हमने इस तरह डबल रख दिया है। ये खुली साइड इधर के साइड है और यहाँ से फोल्ड है। अब हमारी लंबाई 40 इंच है तो बेल्ट का हम 6 इंच एक्स्ट्रा कम कर देंगे, मतलब 40 में से 6 कम करके हम पटियाला की लंबाई निकालेंगे। तो हमको यहाँ से हमको 34 इंच यहाँ से ऐसा लेकर एक मार्क कर देना है। यहाँ से भी हमको 34 इंच का एक मार्क कर लेना है और एक लाइन ऐसे खींच देना है। 34 इंच लेकर यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी है। अब हम इसको भी कट करेंगे। इसको हम यहाँ से भी इसके दो पार्ट कर देंगे। ये हमारे लंबाई के दो पार्ट अभी तैयार हो गए हैं। इसकी चौड़ाई ये हमारे अभी दो पल्लों में ये लंबाई के कपड़े दो टुकड़े कट गए हैं। इसकी चौड़ाई हमारी 9.5-10 के करीब है। इसको हम अभी अलग कर देंगे। कपड़े को हमको डबल इस तरह रखना है। ये साइड हमारी फोल्ड वाली है, इधर 4 पल्लों में खुला हुआ है। अब हमको यहाँ से 44 इंच लेना है। हमारी लंबाई 34 इंच थी, 10 इंच बढ़ा लेना है। इस तरह हमको 44 इंच लेना है, ऊपर से हमको 44 इंच लेना है। 44 इंच पर ऐसा मार्किंग कर देंगे। अब हमको इसको अभी कट कर देना है। इसकी लंबाई 44 लेकर हमने इसको दो पल्लों में काट दिया है। अब इसको हम अभी खोल देंगे। कपड़े को हमने इस तरह डबल रख दिया है। अब हम यहाँ से 10 इंच लेंगे। अब हम यहाँ से 10 इंच लेंगे और एक मार्क कर देंगे। और उसी तरह ये हमारी जो लंबाई है ये 34 इंच है अभी, उसी तरह वो साइड से भी हमको जहाँ से हमने अभी 34 लिया था उसका उल्टा कर देंगे। अब यहाँ से हमको 10 इंच पर मार्क करना है। अब हमको यहाँ से टेप रख कर ये 10 इंच पर हमने जो मार्किंग किया था उसी तरह हमने इधर भी 10 इंच पर मार्किंग किया था। अब इसको और वो वाले निशान को हमको तिरछा ऐसा मिला देना है। ये हमने अब मार्किंग कर दी है। अब हम इसको कट कर देंगे।
इस तरह हमको ये चार फोल्ड, चार पल्ले हमको रखने होते हैं। ये हमारे चार पल्ले हैं। ये दो, तीन और ये चार। ये हमको भी ये चार पल्ले मिल गए हैं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। अब हमको 6 इंच की बेल्ट तैयार करना है और इसकी चौड़ाई होंगी 22 इंच। तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमको 22 इंच लेना है और जॉइंट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 23 इंच का ऐसा कपड़ा लेना है डबल फोल्ड में। और यहाँ से हमको 8 इंच लेना है, जो बन के हमारा 6 इंच बन के तैयार होगा। 2 इंच हमारा मोड़ने में जाएगा। इस तरह 8 इंच लेकर ये हमारा बेल्ट हो गया है। इसकी लंबाई हमारी 8 इंच की है और चौड़ाई हमारी ये 23 इंच है। पटियाला हमारा कट कर अभी तैयार है, इसको भी हम सिलेंगे। ये जो कपड़ा हमारा बचा है ये हमारे पोछे के काम आएगा। ये था हमारा कटिंग वाला पार्ट, अब इसका स्टिचिंग चालू करेंगे। सबसे पहले हमको ये जो हमने शुरू में जो दो पल्ले एक समान काटे थे उसका एक पल्ला ले लेना है। अब इसमें हमको ये जो चार पल्ले हमने काटे थे ये पल्ला हमको बीच में रखना है शुरू वाला, और एक पल्ला इधर साइड जोड़ना है और एक पल्ला इधर साइड जोड़ना है इधर साइड। सबसे पहले हम ये साइड से सिलना चालू करेंगे। हमने ये सिलाई कर दी है, अब हमको ये साइड में अब सिलाई करना है। दूसरा वाला पल्ला हम उठाएंगे, इसको भी लंबाई में हम जोड़ देंगे। उल्टा सीधा देखते हुए हमको ये करना है। इसके दोनों तरफ हमने कर लिया, जोड़ ली है। अब नीचे के साइड हमको बकरम पट्टी लगा के पोछा तैयार करना है। हमारा पोछा 13 इंच का है और उसके साइड में हम 1.5 इंच रखेंगे तो हमको 16 इंच की बकरम पट्टी लगेगी। दो हमने 16 इंच की पट्टी ली है। अब हम इसके पोछे के लिए बकरम पट्टी की पोछा तैयार करेंगे। तो पहले ये कपड़ा लेंगे, ये हमारा नीचे वाला भाग है, इसको हम यहाँ पर ये बकरम पट्टी जोड़ेंगे।
पट्टी को छोड़ के हमने क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ के यहाँ से कट कर दिया है। अब हम इसको पोचे के साइड हम लगाएंगे। ये सलवार का निचला भाग है, ये हमारा पोचे वाला भाग है नीचे का। यहाँ पर हम अभी ये बकरम पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर ऐसा रख कर हम सिलाई करेंगे। ये बकरम पट्टी पर हमको सिलाई नहीं देना है, बकरम पट्टी छोड़ के सिलाई देना है। इसको अब हमको मोड़ देना है और फिर इधर यहाँ सिलाई करना है। ये बकरम पट्टी को हमको फिक्स करने के लिए बहुत सारे सिलाइयों की ज़रूरत होती है, तो हम उसकी सिलाई करने के लिए उसके लिए कोई भी हम डिज़ाइन निकाल सकते हैं। हमने इस तरह की सिलाई देखी, डिज़ाइन करके सिलाई कर ली है। हमको दूसरा पैर भी इस तरह तैयार कर लेना है। हमको नेफे से नेफा जोड़ देना है। ये जो हमने 10 इंच रखा था उसको यहाँ से ऐसा जोड़ देना है। इसको ऐसे खोल के डबल करना है हमको। इसके ऊपर एक प्रेस सिलाई देना है। इसी प्रकार दूसरे साइड भी हमको ऐसे ही सिलाई कर देना। पटियाले में हमको मैनी नहीं देनी होती है, इसमें पहले से ज्यादा चुन्नटे होती है, इसलिए मैनी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। इसको डबल कर दिया है इस तरह। अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे। यहाँ से पहले मैं 1.5 इंच छोड़ दूंगी। और यहाँ से सिलाई चालू करूँगी। जो खुला हुआ भाग है इसको मोड़ूंगी। अभी ये हमारे नेफे के काम आएगा। अब यहाँ से मैं 1/2 इंच पहले मोड़ूंगी, फिर इसको 1 इंच ऐसा मोड़ के पूरे बेल्ट में सिलाई कर लूँगी। ये हमारा दाना डालने के काम आएगा। ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अब हमको ये घेर को यहाँ पर जोड़ना है, तो सबसे पहले हम पीछे 3 इंच छोड़ देंगे। यहाँ पर 1.5 इंच के एक प्लेट डालेंगे और यहाँ पर एक 1.5 इंच की प्लेट। ये हमारे बैक साइड की प्लेट्स होंगी। अब हमारा मेन काम है अभी इसकी चुन्नटे लगाना और जोड़ना। पटियाला सलवार में घेर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमको ये चुन्नटे लगाने में भी बहुत दिक्कत आती है। इसलिए सबसे आसान तरीका मैं इसमें आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले हमको यहाँ पर पीछे के साइड में यहाँ 1.5 इंच की प्लेट डाल देनी है, तो हमारे 3 इंच वैसे भी यहाँ से हमारे कम हो जाएंगे। फिर यहाँ से हमको बीच से लेकर यहाँ से यहाँ तक हमको, हमारी बेल्ट 22 इंच की है तो हमको यहाँ से अभी 11 इंच छोड़ देना है। यहाँ पर हमको एक मार्क कर लेना है।
अब हमको ये जो बचा हुआ हमारा ये जितना भी घेर है ये आखिर तक यहाँ पर हमको अभी प्लेटें डाल के उसको 11 इंच करना है। टोटल हमारी जो बेल्ट 22 इंच की है तो इसको हमको पूरा ये जो हमारा पूरा जो घेर है इसको हमको अभी 22 इंच में कवर करना है। तो यहाँ से हम अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये प्लेटें डालना ऐसे। तो इसको हम अभी इधर 22 इंच और इधर 22 इंच ऐसा कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जहाँ से मार्किंग किया यहाँ से मैं अभी ये प्लेटें डालना अभी चालू करूँगी। हमको ये प्लेटें यहाँ से लेकर स्टार्ट करके तो यहाँ तक लगाना है। और यहाँ पर हमारा जो बीच का भाग है ये हमारा बीच का भाग आएगा। तो यहाँ पर हमको एक इंच की गैप देना है तो आधे इंच की गैप यहाँ देंगे और आधे इंच की गैप यहाँ पर देंगे। प्लेटें डालना हम स्टार्ट करेंगे। आप एक के ऊपर एक भी दे सकते हैं। इसको छोटी प्लेट्स भी यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। अब हमारे ये बीच का भाग आ गया है यहाँ से हमको एक इंच छोड़ देना है और इसका चुन्नटों का डायरेक्शन अभी चेंज कर लेना है। चुन्नटे डालने में बहुत दिक्कत आती है उसको धीरे धीरे हमको एडजस्ट करते हुए ये चुन्नटे लगानी है। इसको हमने अभी चुन्नट लगा लिए हैं। अब इसमें हम अभी बेल्ट लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट है, ये बेल्ट है हमारा। अब इसको हम बीच से ऐसा पकड़ के इसको तो चार पल्लों में ऐसा रख के यहाँ पर एक कट मार्क लगा देंगे। एक कट हमने यहाँ पर लगाया है और दूसरा कट यहाँ पर। अब हमको ये पीछे का साइड लेना है, इसको हमको यहाँ पर बीच में रखना है। ये पीछे के हमने जो दो प्लेट्स दिए थे इसको ऐसे रखना है और सिल देना है बीच में। पीछे के भाग का सेंटर लेकर हमने जहाँ से कट मार्क लगाया था बेल्ट का वहाँ तक हमको सिलाई कर देना है। हमारा कट का मार्क यहाँ आ रहा है, यहाँ ऐसा पकड़ के हमको सिलाई कर देना है। हमको ये पीछे के भाग का सेंटर का निशाना है ये, यहाँ पर ये हमारा पीछे का भाग चुन्नट वाला रखना है और इसको यहाँ पर एक सिलाई कर देना है छोटे से। अब हमको जहाँ से हमने कट मार्क का निशान लगाए थे वहाँ से हमको सिलाई स्टार्ट करते हुए पूरा राउंड में सिलाई करना है। ये हमारा कट मार्क यहाँ पर है, हम यहाँ तक सिलाई कर लिए हैं। अब हमको आगे के पोर्शन की सिलाई करना है तो इसका भी हम वैसे करेंगे। ये सेंटर वाला बेल्ट का भाग लेंगे और ये जो नट वाला है इसका सेंटर वाला भाग लेंगे हम। ये देखिए ये बेल्ट का सेंटर वाला भाग है और ये हमारे चुन्नट वाले भाग का सेंटर वाला भाग। तो इसको दोनों को हम इस तरह ऐसा एक के ऊपर एक रखकर सिलाई कर देंगे पहले। बीच वाले भाग में बराबर बीच की सिलाई हम छोटी सी कर दिए हैं। अब इसको यहाँ से हम सिलते हुए पूरा यहाँ तक लाएंगे। बीच में अगर हमारा कपड़ा कहीं कम ज़्यादा आता है तो उसको चुन्नट में हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा मेरा ये चुन्नट वाला कपड़ा कम आ रहा है तो इसके मैं एक दो चुन्नटें खोल दूँगी, इसलिए हमने इसमें छोटे छोटे चुन्नटें डलवाई थी
जिससे कि ये प्रॉब्लम होती है अक्सर, चुनरटे डालने में कम या ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसको एडजस्ट इस प्रकार करेंगे। आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए, आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है तो आप भी ये मेरी तरह ही कीजिए। बड़ी बड़ी प्लेटें देने से हमें एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए छोटी छोटी प्लेटें दीजिए। ये वाला भाग हमारा एकदम बराबर आ रहा है, इसमें हमको एक भी चुन्नट खोलने की या लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चुन्नटें और ये बेल्ट हमने जोड़ दिए हैं, अब हमको इसके ऊपर एक प्रेस सिलाई देना है, जिसको हम ऐसा अब सीधे साइड पकड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमको राउंड में प्रेस सिलाई देना है। हमारा पोछा 13 इंच है तो हम यहाँ से 6.5 इंच लेकर एक ऐसा मार्क कर देंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे, यहाँ से हमको कट करना है। हमारे यहाँ से जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इसको हम ऐसा तिरछा कट कर देंगे। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए अगले पोछे तक सिलाई करेंगे, दूसरे पैर की यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। अगले पोछे को भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे कट निशान लगाकर, और उसके बाद सिलाई करेंगे। साढ़े छः पर जो मार्किंग किया था वहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अभी इसको हमको पक्का करना है आगे पीछे करके, दो तीन ऐसी सिलाई आगे पीछे करके इसको पहले अच्छी तरह से लॉक कर देना है। अब इसको ऐसा तिरछा ऐसा सिलाई देते हुए आखिर तक इसको सिलाई देना है। 1 इंच की मार्जिन रखेंगे, यहाँ पर हमने 1.5 इंच की रखे थे, यहाँ से हमने 1.5 इंच की मार्जिन छोड़े और यहाँ पर अच्छे से दो तीन बार आगे पीछे करके लॉक करके अब सिलाई कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमारी ये जो मार्जिन है 1.5 इंच की है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसको 1 इंच की गैप रखेंगे। इसको हम डबल कर देंगे। ये हमारा अभी पटियाला बन गया है। ये अभी बन के रेडी है पटियाला सलवार, फुल पटियाला सलवार। इसमें ये कपड़ा हमने कॉटन कपड़ा नहीं लिया है, थोड़ा लहर वाला कपड़ा लिया है, जिससे कि ये प्लेटें हमारी अच्छे एक पर एक दिख पड़े। आप भी हमेशा ऐसे ही कपड़ा यूज़ कीजिए, जिससे ये चुन्नटें हमको एक पर एक ऐसे दिखनी चाहिए। ये पहनने के बाद आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और स्मिता'स बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए।